हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0 इच. बच्चों अपन को इस इक्वेशन का जो है ना सॉल्यूशन बताने हैं, कितने सॉल्यूशन के. तो अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो इसको लिख साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है और इसको अपन लिख सकते हैं माइनस का 4 साइन इनवर्स एक्स और प्लस का 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स और माइनस का 6 इक्वल टू 0. यहाँ से देखें तो इसके फैक्टर बन रहे और साइन इनवर्स एक्स माइनस का 2 और इनटू का 2 इनटू साइन इनवर्स इनवर्स एक्स और प्लस का 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखें तो एक तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू 2 आ रहा है और एक साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू अपना माइनस का 3/2 आ रहा है, मतलब माइनस का 1.5 के बराबर आ रहा है. अपन को पता है साइन इनवर्स का वैल्यू जो है ना, साइन इनवर्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5/2 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5/2 होता है. ये लगभग ये अपना माइनस का प्लस का 3.14/2 और साइन इनवर्स लेस देन अपना 3.14 और ग्रेटर देन माइनस का 3.14/2 है. तो यहाँ से देखें तो साइन इनवर्स देन अपना आ रहा है ये लेस देन इक्वल टू 1.57 और ग्रेटर देन माइनस का 1.57, ठीक है ना. साइन इनवर्स इसके बीच में आता है. तो अपन को साइन इनवर्स का वैल्यू 2 दे रखा है तो ये कभी हो ही नहीं सकता है, तो ये अपना पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है. अब जो है ना ये अपना साइन इनवर्स 1 माइनस का 1.5 दिया रखा है तो 1.5 इसके बीच में लाई करता है, ये अपना एक पॉसिबल. यहाँ से देखें तो अपन को नंबर पूछा है, नंबर तो एक ही आ रहा है, एक ही पॉसिबल सोल्यूशन देखें तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट आ रहा है. बच्चों अपना बी ऑप्शन जो है ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर.